गुड मॉर्निंग, मैं हूं निशांत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू फॉर कमिंग बैक अगेन। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, हेल्प्स अ लॉट। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी फॉगी मॉर्निंग है, तो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, हम बात करते हैं मेरे लास्ट आउटस्टेशन ट्रिप जो कि मैंने किया था इस वीडियो को बनाने से पहले, उसके बारे में। लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2022 मैं था चोपटा में। चोपटा जो है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और इस जगह की दो चीज़ें बहुत फेमस हैं। सबसे पहली श्री तुंगनाथ महाराज का मंदिर है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव टेंपल, पांच केदारों में से एक है। और दूसरी जो है वो ये है कि ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक हिस्सा है। 290 प्लस स्पीशीज़ यहाँ पर मिलती हैं, माइग्रेटरी नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स की, और कुछ मैमल्स मिलते हैं यहाँ पे, जिसमें से कि हिमालयन तार, लेपर्ड, रेड फॉक्स कॉमन है। तो इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। मेरा जो पहला वीडियो था यूट्यूब पे, पहला स्क्रिप्टेड या नॉन स्क्रिप्टेड या आप कहें कि आप लोगों के देखने के लिए जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, वो भी मैंने चोपटा में ही बनाया था। वो एक बर्ड के ऊपर था स्पेसिफिक, और ये जो है ये कुछ स्पीशीज़ अलग अलग जो मैंने यहाँ पे देखी हैं, जिनका मुझे मौका मिला फ़ोटोग्राफ लेने का, वीडियो बनाने का, उसके बारे में। ऑब्वियसली 290 तो नहीं, आई सॉ अराउंड 50 स्पीशीज़ इन 4 डेज, और उसके बारे में बात करेंगे। आपको थोड़ा सा बताते हैं बर्ड्स के बारे में जो मैंने देखी यहाँ पे, या जो मैमल मुझे नज़र आया यहाँ पे उसके बारे में, एंड वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू इट। शुरू करते हैं मेरे पहले लाइफर से, वाइट कॉलर्ड ब्लैक बर्ड, और पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और जो इनकी पॉपुलेशन है जो तिब्बत प्लेटू पे रहती है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनके बारे में कि वो साल में दो बार ब्रीड करते हैं। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट हिमालयन तार, हिमालयन थार भी बोलते हैं लोग इसे, पाकिस्तान में हिमालयन ताहिर बोला जाता है, TAHR इसकी स्पेलिंग है, जैसे इसे स्पेल करते हैं। नेटिव है हिमालयस का, 2500 मीटर से ऊपर की हाइट पर मिलता है नॉर्मली, सर्दियों में थोड़ा नीचे आ जाता है। जो मेल्स हैं उनका जो आयाल है, जो मेन इंग्लिश में बोलते हैं MANE, वो बड़ा ब्यूटीफुल होता है विंटर्स के टाइम पर। पूरा विंटर क्लोथिंग के साथ अगर आपको मेल हिमालयन थार सामने नजर आ जाए, इट्स ऑलवेज अमेजिंग। IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से ये थ्रेटन्ड है बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस। अल्पाइन एक्सेंटोर रेजिडेंट बर्ड है, 2200 मीटर से ऊपर की हाइट पर मिलता है, और देखने में थोड़ा सा बड़े साइज का स्पैरो नजर आता है, हाउस स्पैरो। हिमालयन मोनल, ये वही बर्ड है जिसका मैंने पहला वीडियो बनाया था यूट्यूब के लिए, आपने देख लिया होगा। तो 2200 से लेके 4500 मीटर की हाइट तक ये मिलता है, और नेटिव है हिमालयस का, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, पूरे में पाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से थ्रेटन नहीं है, लेकिन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है पोचिंग। इनका जो क्रेस्ट है ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकता है। दूसरा जो है ये अपने आप में इसको क्रेस्ट को पहनना, वो बहुत सारी ट्राइब्स हैं नेपाल में, इंडिया में, जो फॉर प्राउड एंड ऑनर क्रेस्ट को अपनी कैप पे या अपने जैकेट पे पहनती हैं। ये एक रीज़न है। इस वीडियो में आपको वैसे मेल और फीमेल दोनों नज़र आएंगे।
फॉगनी एंट्री। तो आपको दिखाते हैं स्नो पैट्रिज। स्नो पैट्रिज जो है ये अगेन नेटिव है हिमालयस का, मेरा लाइफर है। जो 3.5 किलोमीटर के ट्रैक की मैंने बात की थी वो पूरा करने के बाद आपको ये नज़र आता है। चोपटा में मंदिर के आसपास आपको इजीली नज़र आ जाते हैं। इसकी खास बात ये है कि ये आपको ओपन पैस्चर्स जो हैं ट्री लाइन से ऊपर उसी पे मिलेगा। पेड़ों के बीच में थोड़ा कम नज़र आता है, ओपन पैस्चर्स में ग्रास सीड्स खाता है ये, तो वहीं पे आपको घूमता हुआ नज़र आएगा ये। तुंगनाथ का ट्रैक करने के बाद, स्नो पैट्रिज और मोनल लेने के बाद जब नीचे उतरते हैं तो मंडल की तरफ गए थे। मंडल पूरा नहीं, थोड़ी दूर तक, वहाँ मिला ये कोकलास फीजेंट। कोकलास फीजेंट है लेकिन क्लोजली रिलेटेड टू ग्राउज और टर्कीज, तो फीजेंट से ज़्यादा क्लोज जो हैं इसकी जीन्स वो ग्राउजेज की तरफ हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पूरे साल वेजिटेरियन है ये। नॉर्मली जो है जड़ें, घास की जड़ें और वेजिटेबल्स जो जंगल में जो सीड्स वगैरह होते हैं वो खाता है, लेकिन जो इसका ब्रीडिंग पीरियड है उसमें स्पेशली जब चिक्स को रियर करने का टाइम आता है उस टाइम पे ये ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली जो है एंट्स पे ज़िंदा रहता है। ये सिर्फ मतलब दूसरी चीज़ें भी खाते हैं लेकिन एंट्स बिकेम द मेजर पार्ट ऑफ द मील। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट दो बर्ड्स की तरफ। ये है येलो रम्प्ड हनी गाइड। ये आपको नॉर्मली पर्च्ड मिलेगा बी हाइव्स पे। ये क्या करता है कि बी हाइव्स पे बैठता है और जो वैक्स है हाइव का उसको खाता है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका ये है कि ये ब्रूड पैरासाइट है, ये अपना नेस्ट नहीं बनाता। और जो पेड़ के तने में छेद बना के जो बर्ड्स अंडे देते हैं ये उन तनों में अंडे देता है, उन छेदों में जहाँ पे दूसरे बर्ड्स ऑलरेडी अपने एग्स ले कर चुके हैं, जैसे बारबेट हो गया या दूसरे जो बर्ड्स हैं वहाँ पे। ये जो बर्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ लास्ट बर्ड इस वीडियो का, ये है स्कारलेट फिंच। अब इसके बारे में कुछ आपको वीडियो दिखाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ एक चीज़। ये बर्ड मुझे मिलना पॉसिबल नहीं था, मेरा ट्रिप इसी बर्ड के लिए था पूरा, स्नो पैट्रिज और स्कारलेट फिंच। ये पॉसिबल नहीं होता जो मेरा गाइड अगर वो नहीं होता तो। दिनेश नेगी शांत इंसान है, बर्ड्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। और नॉर्मली स्कारलेट फिंच के लिए लोग मंडल जाते हैं लेकिन ये बर्ड मैंने लिया है मक्कू में। तो लोकेशंस उसको बहुत सारी ऐसी पता हैं जो दूसरे लोगों को नहीं पता। प्लीज़ टाइम आउट, उसका नंबर, उसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप देखिए स्कारलेट फिंच, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आधा जो है वो लैटिन है और आधा जो है वो हिंदी है। कार्पोडकस सिपाही, सिपाही जो इसमें यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है इन लिटिल टर्म्स, सिपाही कांस्टेबल या फिर एक सोल्जर, क्योंकि जब ब्रिटिश हमारे देश पे राज कर रहे थे इंडिया पे उस टाइम पे जो सिपाहियों की जो यूनिफॉर्म होती थी, जो कांस्टेबलरी की यूनिफॉर्म थी वो इसी कलर की होती थी, इस वजह से इसका नाम, इसके नाम में सिपाही आता है। बाकी वेजिटेरियन, टोटली फीड्स ऑन सीड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप
फीडबैक्स आप कमेंट्स में दें. सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और जय हिंद.